ऑर्किड अभी मोर देन 700 ऑर्किड कंजर्व किया हुआ है सारे नॉर्थ का वैरायटी से. एंड ऑर्किड अभी स्टार्टिंग फ्लावरिंग, ऑर्किड का पिक सीजन मार्च अप्रैल में होता है. सो इस प्लांट जो है अभी ब्लूम में नहीं है, इसे स्टेट फ्लावर ऑफ आसाम, आसाम का जब बिहू होते आसाम इस अभी जो बिहू है दिस इज सेकेंड बिहू. एंड आसाम का सबसे बिग फेस्टिवल होता है अप्रैल 14 जो बोहाग बिहू. उस टाइम इस फ्लावर लड़के ऐसे हर्बन में लगा के बिहू डांस करते समय लगाते हैं. सो उसका फ्लावर आने से इसका लिंग लंबे है, इसलिए फॉक्सटेल कहा जाता है. रिंकोसालिस रेटोसा साइनिफिक नेम, आसाम इज कॉल्ड कोपो फुल. कलर टू टाइप्स है, वन इज पर्पल व्हाइट, वन इज टोटली व्हाइट कलर. सो अभी जो फ्लारिंग है दिस इज हाइब्रिड फ्लावर, ऐसे ही आएगा बट इसमें लेंथ तो छोटा है, सॉरी शॉर्ट है जो नॉर्मली वन, उनके बहुत लंबे लेंथ है. ये हाइब्रिड है जिससे रिंकोसालिस जाइगेंटिया एंड इनका रिंकोसालिस रेटोसा. एंड इसे एक है जिसको कैथलिया, कैथलिया ऑर्किड, कैथलिया उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कलर्स मिलेगा, अलग अलग कलर्स में रहता है. एंड एक जो फ्लारिंग है आज का सबसे कॉमन है बुके वेडिंग्स में सबसे यूजेस है इस ऑर्किड, उनके बहुत कलर आते हैं, उनमें से सबसे कॉमन वाला ये पर्पल वाइट है जिसे सोनिया ऑर्किड बोलता है. दे तो सो डिफरेंट स्पीसीज, उसी से सेम फैमिली है, कलर अलग है. एक ये है वंडा माइक्रा, उनका भी डिफरेंट टाइप्स कलर्स मिलेगा. एंड ये सेम कैथलिया. सो ऑर्किड हम लोग यहाँ पे ऐसे टू टाइप है कंजर्व, जिन्हें भी हम लोग जो लोग सॉरी जो डेडवुड लॉग में प्लान किया है इस ऑर्किड को एपीफाइट्स जो मिट्टी में है, दिस आर टेरेस्ट्रियल ऑर्किड. तो ऑर्किड्स में तो हमेशा लिविंग ट्री में रहता है, इसलिए हम लोग सोचते कि पेरेसाइट है, बट ऑर्किड इसे पेरेसाइट नहीं है. ऑर्किड वो ट्रीज में जरूर रहता है बट ट्री को जस्ट फिजिकली सपोर्ट के लिए रहता है. उनके जितने भी फूड होगा एयर सनलाइट मॉइस्चर से लेके उनका खाना अपने आप ही रेडी होता है, इसीलिए ऑर्किड को जस्ट सपोर्ट चाहिए, इसलिए ऑर्किड को एपीफाइट्स कहते हैं एंड एयर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि उनका एरियल रूट हमेशा इससे बाहर ही आता है. उनके मॉइस्चर से वो एब्जॉर्ब करके उनका खाना अपने आप ही रेडी करते हैं, इसीलिए ऑर्किड को एयर प्लांट भी कहते हैं, जस्ट सपोर्ट चाहिए उनके. दिस इज ब्लू वेंडा. सो रेड वेंडा एंड ब्लू वेंडा एक्चुअल वाइल्ड में तो ओनली दो कलर ही है रेड एंड ब्लू, बट आजकल जो वाइल्ड में तो मिलता है लेकिन अलाउड नहीं करते टोटली. ये एंडेंजर स्पीसीज हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी ऐसे हाइब्रिड ही कंजर्व करना पड़ा. तो हाइब्रिड में तो डिफरेंट टाइप्स कलर्स मिलेगा. दैट इज सेम वेंडा माइक्रा, दिस इज हाइब्रिड वन. ब्लू वेंडा रेड वेंडा का भी आजकल हाइब्रिड ही मिलेगा जी. जिसमें डांसिंग लेडी बोलते हैं. सो डांसिंग लेडी का भी डिफरेंट टाइप, इनमें शेप में तो इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दिया, तो थोड़ा बड़ा फ्लारिंग्स में आगे मिलेगा. उनका सिर्फ टोटली ऐसे फ्रॉक पहन के दो हाथ फैला के ऐसे डांस करते हुए लेडी जैसा दिखता है, इसीलिए इसे प्लांट को डांसिंग लेडी बोलते हैं जी. बटरफ्लाई बोलते हैं उनके, मॉथ बटरफ्लाई जैसा शेप है इसीलिए मॉथ बटरफ्लाई मॉथ ऑर्किड. फ्रॉक पहन के दो हाथ फैलाके से फेस एंड क्राउन पहना जैसा, जिसे ऑन्सिडियम वेरिकॉसम बोलते हैं उनका साइंटिफिक नाम, बिकॉज डांसिंग लेडी. डांसिंग लेडी सा इंग्लिश नेम जी. उस साइड पे है दिस इज पिचर प्लांट जो इंसेक्ट पकड़ते हैं जी. लोगों को बुलाओ. हाँ, उनके बहुत बड़ा बड़ा पिक्चर एंड ऐसे बर्न करने वाला वो पिक्चर भी है, दिस इज दैट वन वीनस फ्लाई ट्रैप का भी बोलते हैं. सो उन पिक्चर ऐसे है कि वो लीव से उनका पिक्चर बना लेता है. सो लीव से पिक्चर बना के उनकी इंसेक्ट जो है जी कीड़े पकड़ते हैं. हाँ, अंदर जो इंजर्म जैसा लिक्विड है उस लिक्विड के स्मेल से वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट होके अंदर चला जाता है, उसे के साथ ही फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा, वो धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करके उसका न्यूट्रिएंट्स ही या प्लांट्स ले लेता है. इसलिए नहीं, जो बड़ा बड़ा जो है मिलता है ये अफ्रीका में मिलता है, बड़ा बड़ा मेघालय में. ये जो छोटा वाला ये मेघालय में मिलता है. तो ये इसका साइज कितना होता होगा, लाइक जो इतना इतना बैग भी होता है एक, वो वाला तो अफ्रीका यूरोप उस साइड में मिलेगा, लेकिन उनके थोड़े से वो काइट काइट जैसा फॉर्म जैसा होता है, अंदर दिखते हैं. दैट वाज वीनस फ्लाई ट्रैप का भी बोलते हैं उनका. तो ये फाइनल साइज है, उससे बड़ा नहीं होगा. ये मेघालय खासी हिल में मिलेगा ओरिजिन, इसलिए उनके ऑर्किड का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है. ऑर्किड को तो एक्चुअली ये इंडिया का स्पीसीज नहीं है, ये और कंट्री का है, अमेरिकन यूरोप थाईलैंड उस साइड से ही है नेटिव. बट
नॉर्थ ईस्ट रीजन में रीच है ऑर्किड के लिए बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी के वजह से, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में रीच है ऑर्किड के लिए। 80% ऑर्किड नॉर्थ ईस्ट का ही मिलता है जी, बिकॉज ग्रीन इन्वायरमेंट में ऐसे कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है इस वजह से। और ऑर्किड का जो लास्टिंग होता है वो भी ज्यादा होता है, ज्यादा होता है टू बाकी फ्लावर्स। यस, एंड ऑर्किड एंड लिलीज, हां लिलीज आल्सो, एंड क्योंकि ह्यूमिड ज्यादा है ना इसलिए ऑर्किड्स में ह्यूमिड एंड मोस्ट लो टेंपरेचर चाहिए। इस रीजंस में ऑर्किड ज्यादा ग्रो होता है जी। मेघालय स्टेट फ्लावर्स तो ये है, बाकी उनका उसका फैमिली है, उनके हम लोग या इंग्लिश नेम है लेडी स्लीपर। हम लोग जो बोलते हैं मंकी फेस ऑर्किड का भी बोलते हैं, मतलब उनका स्टेट फ्लावर टोटली मंकी जैसा भी लगता है ना जी, ऐसे दो आईज जैसा नोज बड़ा सा मुंह की तरह बैठा हुआ है। सो लेडी स्लीपर कॉमन नेम क्योंकि इन पार्ट में है, लेडी का सू जैसा दिखता है इस पार्ट में, इसीलिए लेडी स्लीपर कहते हैं मेघालय का स्टेट फ्लावर। और आपने वो एसेंस का क्या बताया था, आजकल तो आर्टिफिशियल वाला ज्यादा मिलता है राइट, आजकल बुके में वेडिंग्स में भी मिलता है, ज़िगो पेडिलम बोलते हैं। एंड दैट वन ज्वेल ऑर्किड, जो पट्टे में ऐसे गोल गोल वेन्स है ना, वो सनलाइट मिलने से पूरा चमकते हैं सनलाइट, एंड वो छोटे छोटे फ्लावर है उनके बर्ड की तरह, इंसेक्ट जैसा दिखता है। डेंड्रोबियम फॉर्मोसा, ये ऑलरेडी ब्लू, अभी उनके जस्ट ओनली स्टिक और लीव्स ही होगा, उनके 2 months पहले ऑलरेडी ब्लू होंगे, खत्म हो गए तो, हनी भी, हनी भी की तरह तो हनी भी ऑर्किड बोलते हैं। फिल्म ऑफ सेस फुलचिरीमा, बाघर डारी जिसे आसमिस कॉल बाघर डारी, डारी मतलब जो बियर को बोलते हैं, लाइट विस्कर्स जैसा आता है। सो दैट वन ऑलरेडी मेच्योर, दैट वन सीड, सो स्टार्टिंग ऐसे आता है एंड जितने भी मेच्योर होगा उनके धीरे धीरे पूरा ब्लैक हो जाता है, मेच्योर होने टोटली ब्लैक आएगा। तो हम लोग ऐसे ब्लैक कलर फूल नहीं होते वैसे ही सोचता है, बट ऑर्किड मतलब ऑर्किड्स में नहीं है लेकिन नॉर्मल फ्लावर्स में है ब्लैक फ्लावर, इसलिए ये कलर की वजह से ये रेयर स्पीसीज है, ये ऑर्किड नहीं है जी, यहाँ का ये आसाम कार्बी हम लोग मिल जाएगा जी, हम लोग बी ऑर्किड बोलते हैं सर, उनका सेम लाइट है बी जैसा, तो यहाँ आसाम में तो सिक्किम जैसा क्लाइमेट तो नहीं है इसलिए फ्लारिंग होने में काफी टाइम लगता है। सो ऑर्किड का नॉर्मल प्लांट जैसे पाइनएप्पल ऑर्किड, ओनली एक मतलब फर्स्ट फ्लावरिंग हो गया, मतलब बाकी में तो ओनली जस्ट